हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि इस समय सरोजनी नगर में विंटर कलेक्शन कितना अच्छा आया हुआ है। सिंस अभी विंटर्स आने वाली हैं तो अभी मार्केट में धीरे धीरे विंटर कलेक्शन आ गया है। जो बिल्कुल लेटेस्ट कलेक्शन है मैं वही आपको दिखाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 200 रुपीज़ में पैंट्स हैं और 300 रुपीज़ में ये जैकेट्स वगैरह हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा वेराइटी थी जैकेट्स की। अंदर आप देख सकते हैं इसमें कोट्स वगैरह भी थे और सब बहुत डिफरेंट थे। अगर आप लॉन्ग कोट्स पहनना पसंद करते हैं तो उसकी भी काफ़ी वाइड वैरायटी थी। इस तरीके से फ़र वाले कोट्स भी थे और यहाँ पर 100 रुपीज़ के ये बेसिकली इनर वाले स्वेटर्स हैं। ये बहुत ज़्यादा ऐसे थिक स्वेटर्स तो नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा आपको सर्दियों में आप पहन पाओ, लेकिन नवंबर से दिसंबर वाली जो सर्दियाँ आती है उसके हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। 100 रुपये के हिसाब से तो ये काफ़ी ज़्यादा ही अफोर्डेबल हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी थी इनकी। इस बार बच्चों के हिसाब से भी मार्केट में काफ़ी अच्छा कलेक्शन है यहाँ पर। वैसे बड़ों के हिसाब से अगर आप देखें तो ऊपर पैंट्स वगैरह अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे बच्चों के लिए स्वेटशर्ट्स वगैरह काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पर ये 100 रुपीज़ की थी। 100 to 150 की रेंज में आपको काफ़ी ज़्यादा वेराइटी मिल जाएगी बच्चों के हिसाब से। आप खुद देख सकते हैं सामने, यहाँ पर 7 से 8 साल के अगर बच्चे हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। 100 रुपये में फ़िक्स प्राइस था यहाँ पर। 100 रुपये में काफ़ी अच्छा रेंज था। बस आपको ढूंढना है अपने हिसाब से कि आपको किस तरीके का चाहिए। यहाँ पर ये इस तरीके के स्वेटशर्ट्स थे, मेरे को काफ़ी अच्छे लगे ये बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को सर्दी जल्दी लगती है तो इस टाइम पर बेस्ट है। आप मार्केट आके आप देख सकते हैं एक बार, ये स्वेटशर्ट मुझे अच्छा लगा था। और यहाँ पर ये बड़ों के लिए कार्गो पैंट्स और खाकी पैंट्स हैं, ये काफ़ी अच्छे थे। जैकेट्स वगैरह भी अच्छे थे बट इसका रेंज 300 to 400 था। क्योंकि अब विंटर्स ऑलमोस्ट आ गई हैं तो बेटर है कि मार्केट आप टाइम से ही पहुंच जाएं, जिससे कि आप अच्छे से शॉपिंग कर पाएँ। क्योंकि मार्केट में इस समय काफ़ी अच्छा विंटर कलेक्शन आया हुआ है तो आपके पास ज़्यादा टाइम होना चाहिए देखने के लिए। और 12 से 1 बजे के बाद क्राउड इतना ज़्यादा मार्केट में बढ़ जाता है कि आप बहुत ढंग से देख नहीं पाते हैं। तो बेटर है आप 10:30 to 11 तक मार्केट पहुँच जाएँ। यहाँ ये डेनिम जैकेट्स मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी ज़्यादा वेराइटी थी डेनिम जैकेट्स की। जिस कलर में या जिस शेड में आप चाहते हैं आपको वो अवेलेबल है, या उस तरीके से क्रॉप टॉप के हिसाब से भी जैकेट्स काफ़ी अच्छी थी इस शॉप में। और जीन्स वगैरह का भी कलेक्शन इन पर काफ़ी अच्छा था आपके साइज़ के हिसाब से। अगर आपको डबल एक्सेल भी आपका साइज़ है तो आपको यहाँ पे जीन्स अवेलेबल होंगी। आजकल ये फ़र वाले जैकेट्स मार्केट में नए आए हैं बिल्कुल इस तरीके से। अगर आपको और भी इसमें कलर्स मिल जाएंगे, अगर आपको इस तरीके के पसंद हैं तो ये 250 to 300 की रेंज में थे। ऑब्वियसली आपके बार्गेनिंग स्किल्स यहाँ पे चलते हैं, अगर आप बार्गेनिंग कर लेते हैं यहाँ पे अच्छा तो ये आपको 150 to 200 में भी वो दे देंगे। जो वो प्राइस कोट करते हैं उतने में तो आप वैसे भी नहीं लेना चाहिए। आप यहाँ पे बार्गेनिंग करेंगे तो बहुत अच्छी वेराइटी थी स्वेटर्स की, कोट्स की। यहाँ पर नीचे आप सारे देख सकते हैं, इस समय मार्केट में लेटेस्ट जो आया हुआ है वो ये फ़र वाले ही कोट्स हैं और स्वेटर्स हैं। बच्चों के लिए भी यही इसी तरीके का कलेक्शन है, बट इस स्पेसिफिक शॉप में सिर्फ लेडीज़ के हिसाब से था। तो मुझे यहाँ पे स्वेटर्स काफ़ी अच्छे लगे और लाइक काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज थी। ये स्वेटर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा फर वाला। मार्केट में फुल स्लीव के टॉप का कलेक्शन भी अच्छा है इस बार। आप बेसिकली नवंबर दिसंबर में जैसे फुल स्लीव के टॉप पहने जाते हैं, बहुत ज़्यादा जैकेट्स नहीं पहनी जाती हैं शुरुआत में, तो ये वो कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। ये मुझे काफ़ी क्यूट सा लगा स्वेटशर्ट, काफ़ी क्यूट था जो बनी वाला है वो अच्छा था। और यहाँ पर बेसिकली स्वेटर कम लॉन्ग ड्रेसेस थी तो वो काफ़ी अच्छी थी। ये 250 की थी, 250 to 350 की रेंज में ही काफ़ी अच्छी विंटर वेयर के हिसाब से लाइक ड्रेसेस हैं, गर्म जैकेट्स होती हैं जैसे गर्म ड्रेसेस हैं प्रॉपर, वो 250-300 की रेंज में काफ़ी अच्छी हैं। उसके ऊपर बस आप एक बेल्ट भी अगर पहन लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा। यहाँ पर इस तरीके से जो फुल स्लीव्स की डेनिम शर्ट्स हैं, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है इस समय मार्केट में। मतलब इस समय ऐसा कलेक्शन है कि आप अगर मार्केट जाएंगे तो अराउंड 2000-3000 की शॉपिंग आप खुले आम करके आ सकते हैं और बहुत आराम से आप काफ़ी सारे कपड़े उतने में ले लेंगे। आप खुद देख सकते हैं कितने अच्छे फुल स्लीव के टॉप वगैरह हैं यहाँ पे 100-100 रुपीज़ में। विंटर्स के हिसाब से ये क्रॉप स्वेटर्स थे, ये इतने अच्छे लग रहे थे। और 50 रुपीज़ में यहाँ पर गंजी वगैरह थी कि अगर आप इसको जैकेट के अंदर लाइक पहनना चाहते हैं तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा था। बट मुझे क्रॉप स्वेटर्स बहुत अच्छे लगे 100 रुपीज़ की रेंज में। इसमें काफ़ी सारे कलर्स की वैरायटी आप देख सकते हैं और इसमें प्रिंट्स वगैरह भी थे और ये इतने स्टाइलिश लगेंगे किसी भी जैकेट के अंदर। यहाँ पे लड़कों के हिसाब से भी ये लेदर की जैकेट्स थी। ये प्योर लेदर तो नहीं है बट इसका प्राइजेस के हिसाब से
ये काफ़ी अफोर्डेबल और काफ़ी अच्छा था, 500 to 600 की रेंज में था ये। और ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेराइटी देख सकते हैं, यहाँ इनके पास डेनिम की जैकेट्स भी बहुत अच्छी थी। इवन ओवरऑल ही इनके पास डेनिम की वेराइटी काफ़ी अच्छी थी। अगर आप डेनिम की स्कर्ट्स चाहते हैं या डेनिम की शॉर्ट्स चाहते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था इनके पास। ये शॉप में स्पेसिफिकली आपको बॉटम वेयर के लिए आप जो भी सोचेंगे वो मिल सकता है, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छा कलेक्शन था। ओवरऑल इस शॉप में आपको सारा जो गर्ल्स के हिसाब से बॉटम वेयर है वो बहुत अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि अभी वेडिंग का सीज़न आ रहा है प्रॉपरली, तो यहाँ पर एथनिक वेयर का भी कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। ये दुपट्टे यहाँ पर 250 रुपीज़ की रेंज में थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। यही दुपट्टे अगर आप डेली हाट से लेंगे तो आपको 500 to 600 की रेंज में मिलेंगे, या फिर इवन अगर आप लाजपत नगर से भी लेंगे तो भी आपको 400 की रेंज में मिलेंगे। यहाँ पर से आप इस तरीके का कलेक्शन भी ले सकते हैं, या इवन अगर आपका बुटीक है तो उसके लिए भी आप यहाँ से होलसेल की प्राइस में ले सकते हैं। इस बार लड़कों के हिसाब से जैकेट्स का कलेक्शन बहुत अच्छा था, सिंस लड़कों को जैकेट्स जो होती हैं वो बहुत अच्छे से अवेलेबल नहीं होती है अफोर्डेबल प्राइस में, तो उसका कलेक्शन अच्छा था 300 to 400 की रेंज में। काफ़ी अच्छा क्वालिटी है विंटर वेयर का यहाँ पर लड़कों के लिए। इवन बच्चों के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छे लगे नाइट सूट्स वगैरह विंटर वेयर के हिसाब से, 150 to 200 की रेंज में थे, तो काफ़ी अफोर्डेबल हैं बच्चों की ड्रेसेस। इवन जो विंटर वेयर के हिसाब से फ्रॉक्स हो गई लड़कियों के लिए, या फिर जैकेट्स हो गई या पैंट्स हो गई बच्चों के हिसाब से, 9 से 10 साल के बच्चों के हिसाब से, तो बहुत अच्छा कलेक्शन था यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल था। इस तरीके के आपको देख सकते हो आप रेडियो पे, आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। इवन शॉप्स के अंदर भी अच्छा कलेक्शन था। मार्केट में टाइम से पहुँचने का बस एक ये बेनिफिट है कि आप ढंग से एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें पसंद कर सकते हैं, आपको भीड़ नहीं मिलेगी उस तरीके से। 150 की रेंज में काफ़ी अच्छी टी शर्ट्स थी। ईयरिंग्स जो थे वो 30 रुपीज़ से 200 की रेंज तक थे, लेकिन मेरे को इस बार कलेक्शन अभी ईयरिंग्स का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। ये सारा पुराना ही कलेक्शन है, कुछ भी बहुत ज़्यादा लेटेस्ट कलेक्शन नहीं आया है मार्केट में। इस समय मार्केट में अगर आपको कपड़ों के लिए या फुटवेयर के लिए या बूट्स के लिए शॉपिंग करनी है तो वो अलग बात है, बट ईयरिंग्स के हिसाब से बहुत डिफरेंट कलेक्शन नहीं था। बट हाँ, नीचे झुमकियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी, एक ये नई चीज़ मुझे दिखी। ये 200 की रेंज में थी और काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी ये, और मार्केट में सारा वही था जो लास्ट कुछ महीनों से आ रहा है। यहाँ पर ये कैप्स 100 to 150 की रेंज में थी, एंड गाइस बिलीव मी, यहाँ पर ये कैप्स इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, कैमरा जो है वो जस्टिस नहीं कर रहा टू द कलर दे हैव, लाइक इतना वाइब्रेंट, इतना अच्छा कलर था कि विंटर्स में ये बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लुक दे देगा विद योर क्लोथ्स। यहाँ पे बच्चों का कलेक्शन आप देख सकते हैं, स्वेटशर्ट्स का कलेक्शन कितना अच्छा है। स्पेसिफिकली ये जो ड्रेस था बच्चे का, लाइक आई रियली लव्ड इट, आई एम सो मच इन लव विद इट। मैंने लिया नहीं है क्योंकि मेरे को पता नहीं था मुझे किसको देना होगा, अदर देन दैट ये इतना अच्छा लग रहा था, और ये शायद 150 टू 200 की रेंज में ही था, और वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज है, आई मीन इतने सुंदर ड्रेस के लिए। 100 रुपीज़ में यहाँ पर काफ़ी अच्छा कलेक्शन था स्वेटर्स का, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें काफ़ी वाइब्रेंट कलर के भी स्वेटर्स थे, आपको जिस तरीके के भी चाहिए वो आपको 100 रुपीज़ में अच्छे से अवेलेबल हैं। लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं से भी उसमें कोई कट ना हो, या फिर बहुत ज़्यादा उसमें कोई और प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इस टाइम पर आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर एक एक पीस जो है वो इंडिविजुअली अलग अलग है, उनके पास किसी भी पीस के 4 या 5 कलर्स नहीं हैं, तो उस वजह से आपको खुद ही ध्यान देखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में वो रिप्लेस नहीं हो सकता या एक्सचेंज नहीं होने वाला है वो, तो आप उस चीज़ का ध्यान दीजिए कि कहीं से उसमें कट ना हो या कोई और सिलाई ना उधड़ी हुई हो उसकी। अदर देन दैट 100 रुपये में काफ़ी अच्छी चीज़ें अवेलेबल थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे स्वेटर्स हैं, अलग अलग कलर्स के हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर, अगर आपको डल कलर्स पसंद है तो उसमें भी थे, और अगर बड़े कलर्स पसंद है तो उसमें भी। साइज़ का यहाँ पर ये ज़रूर था कि बहुत बड़े साइज़ अवेलेबल नहीं है, SML XL तक तो थे, पर इन स्वेटर्स में बहुत, अगर आप XXL या XXXL अगर आपको आता है तो उस हिसाब से यहाँ पे 100 रुपीज़ में स्वेटर्स तो नहीं थे, लेकिन हाँ ये जो इस तरीके से बड़े वाले स्वेटर्स हैं या फिर ट्रैक सूट्स थे वो सब आपको XXL या XXXL में अवेलेबल हैं। 300 to 400 की रेंज थी उनकी, बट उससे अलग हटके अगर आप स्वेटशर्ट्स देखेंगे तो 100 to 150 की रेंज में अच्छे थे। 150 की रेंज में भी स्वेटर्स अवेलेबल थे। इस टाइम पर अगर आपको विंटर वेयर की शॉपिंग करनी है तो ये बेस्ट टाइम है मार्केट जाने का, क्योंकि लेटेस्ट कलेक्शन आया हुआ है तो आप ढंग से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इतना ज़्यादा कलेक्शन में से आपको आइडिया भी रहेगा कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, वेराइटी बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने हिसाब से ऑप्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का विंटर वेयर लेना है।
हर तरीके का विंटर वेयर अवेलेबल, लाइट से लेकर जैकेट्स तक, हैवी जैकेट्स, लेदर की जैकेट्स वगैरह सब कुछ बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। आई स्टिल सजेस्ट कि आप वीकेंड्स पे मत जाइएगा, वीकेंड्स पे मार्केट इतना ज़्यादा क्राउडेड होता है कि वहाँ पे शॉपिंग करना आसान नहीं रहता है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं आराम से यहाँ पर एक्सप्लोर कर पा रही हूँ क्योंकि मैं वीकडे में गई थी, बट अगर आप वीकेंड पे जाएंगे तो आप इतने आराम से एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं और उस दिन फिर आप ढंग से सिलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो गाइज़, आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट ऑन फ्राइडे।